लंच में दाल चावल या पिज्जा? पिज्जा, पिज्जा क्योंकि मुझे दाल चावल मुझे अच्छी नहीं लगती है। आगे जी सारा फुल्ली रेडी है स्कूल के लिए और तैयार हो चुकी है। ये साइकिल करके जाएगी और मैं और यहाँ गाड़ी में जाएंगे क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी 8 बजे तक। आपका स्कूल स्कूल इस तरफ नहीं है, चलो दूसरी तरफ। चलो जी, बारिश तो शुरू हो गई है, घर अभी हमें पहुँचेंगे, घर पहुँचने में भी अभी 10-12 मिनट हैं। हल्के गीले हैं, सूख जाएंगे, उतार लो जल्दी से। वालेकुम अस्सलाम, ये देखो कौन आ गया, अपनी सहेलियों के साथ आई है और इसने ऑलरेडी जो है दोस्त बना लिए हैं। इसके पास मुझसे बात करने का तो टाइम नहीं होगा है। बाप रे, बारिश और भी तेज होगी और क्या, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं। उफ। लंच में दाल चावल या पिज्जा? पिज्जा, पिज्जा क्योंकि मुझे दाल चावल मुझे अच्छी नहीं लगती है। आई लाइक पिज्जा मोर। सैलेड पिज्जा? हां। ये कौन सा, ये वाला? मेबी डिपेंड्स व्हाट द लास्ट विश इज। Margarita. I'll take the margarita. If it will be raining though. Party, 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 party. Felix, also Felix. I can bag me. Okay. Shukriya. आगे जी सारा फुल्ली रेडी है स्कूल के लिए और तैयार हो चुकी है। ये साइकिल करके जाएगी और मैं और यहाँ गाड़ी में जाएंगे क्योंकि हम लोगों को ना जल्दी 8 बजे तक वापस आना है क्योंकि घर पे कोई बंदा आ रहा है, क्योंकि ओवन शायद थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको जो है ना ठीक करने के लिए देखने के लिए कि क्या इशू है। It's kind of funny. I watched a little bit. I got a notification on YouTube from it. Like, oh my god. It's a little funny. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सलाम है, कैसे ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू निकितन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट ऑन टुडेस व्लॉग। यस, इट्स गोइंग टू बी अ बिजी डे। इट इज मंडे, आई मीन ट्यूसडे, और सारा का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल 13th of August, यानी कि कल 14 अगस्त है। लेकिन 14 अगस्त को यहाँ पे मतलब क्या ही करें, यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में होते तो कुछ ट्राई भी करते, देखते हैं। चलें चलें, आप निकले। तो मैं भी तैयार हूँ और हमारा आज का जो दिन है शुरू हो चुका है। गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। और अभी जैसे इसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, इसकी ख्वाहिश है कि क्योंकि इसका पहला दिन है स्कूल के लिए तो हम इसको ज्वाइन करना चाहें, तो इसकी जो है ये विश है। और तो फिर हम लोग जा रहे हैं और फिर घर वापस आना है, और घर पे जैसे मैं बताया एक बंदा आएगा ओवन देखने के लिए, तो हमें घर पे भी जाना है। फिर उसके बाद जो है 10 बजे तक, 9:30 बजे तक जाएँ यहाँ की ये है पिंजरे में मीटिंग है, फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर 11 बजे मेरा ब्लड टेस्ट है उसके लिए जाना है। बहुत सारी चीज़ें जो होनी है, फिर वापस घर आना है, घर आके फिर सारा को लेने जाएंगे 1 बजे तक, और फिर उसके बाद यानी कि बहुत सारी चीज़ें। गोइंग टू बी अ हैक्टिक डे, और बीच बीच में जैसे जैसे जो होता जाएगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा ठीक है सारा, आप निकले, हम लोग आ रहे हैं। चलो okay. आपको टाइम लगेगा साइकिलिंग के लिए। सारा को जो है ना उसके नए स्कूल का रास्ता आता है, जहाँ हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो अब जो है हमने उसको पूरा यानी कि रास्ता दिखाया था, बताया था, समझाया था कि किस तरह से जाना है। तो फिर ना उसको वो अपना रास्ता जो है स्कूल का याद हो गया, फिर 3-4 बार जो अकेले भी होके आई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसका। तो माशाल्लाह, शी इज़ रेडी फॉर हर न्यू स्कूल, आई एम सो एक्साइटेड। आपका स्कूल स्कूल इस तरफ नहीं है, चलो दूसरी तरफ। ड्रम में मत करो ये। अल्लाह हाफिज, सी यू। स्कूल हम पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ पे सारी पार्किंग फुल है, तो यहाँ पार्किंग जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और वैसे अभी टाइम है लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, क्योंकि लोगों ने कैसे साइड पे इस तरह से जो है फुटपाथ पे पार्किंग फिर पार्क दे में बिहाइंड दिस कार। अरे सीरियसली, तो हम लोग जो है घर आ
गए और वो बहुत एक्साइटेड थी, खुश थी, थोड़ा नर्वस भी थी और एक दो फंबल्स किए उसने नर्वसनेस में, बट स्टिल अच्छा था। और वो टीचर बहुत अच्छी हैं, क्लास के बच्चे भी यानी कि शैतान तो होते हैं, शरारती होते हैं, बट स्टिल अच्छे लगे काफ़ी हद तक जो है ना, यानी कि ऐसे नहीं लगे कि तंग करेंगे या ऐसा कुछ। और यहाँ पे जो है इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं की जाती हैं कि अगर इस अगर कोई केस हो। सो मैंने वहाँ जाके कुछ स्कूल में ब्लॉग नहीं किए फॉर ऑब्वियस रीजंस, ऑब्वियसली दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्राइवेसी भी है और दूसरा है कि यानी कि वहाँ पर दूसरे बच्चे भी होते हैं तो उनकी प्राइवेसी भी। सो इसलिए जो है ब्लॉग जो है मैंने स्कूल में नहीं किया और आई थिंक ये करना भी नहीं चाहिए, तो इसलिए एनीवेज। तो मैं आके घर और घर आके जो बाकी का जो रूटीन है उसको शुरू करने से पहले जो है मुझे पीजीएल का भी ऑफिस का कुछ काम करना है और फिर जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ का भी ऑफिस का कुछ काम करना है, तो मैं वो कर लूँ यहाँ और फिर उसके बाद जो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और साथ साथ जो है ना मेरी पी रही हूँ मेरी आज की सुबह की ग्रीन टी, नॉर्मल यानी कि चाय नहीं है, ग्रीन टी है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बार व्लॉग में कहा था कि मैं जो हूँ अपना दिन जो है शुरू करती हूँ विद ऑलिव ऑयल, टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल और ये ग्रीन टी। सो यस, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एंड आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलो जी, क्या तो गया है अपनी उसकी जो मीटिंग है ना पिछले टाइम में वहाँ गया है और मेरा जो है टाइम हो गया ब्लड टेस्ट के लिए जाने के लिए। और जो जगह है ना मैं एकदम यानी कि पहले उस जगह पर मैं गई नहीं हूँ ब्लड टेस्ट के लिए, कई और जगह पे यानी कि जहाँ मैं जाती हूँ यूजुअली वहाँ पे जो है टाइम अवेलेबल नहीं था। और मेरी जो है यानी कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है दो दिन बाद, उससे पहले जो है मुझे ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है, तो फिर मैंने जो है अरे यार क्या मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है। अब देखो बाहर जो है कपड़े टंगे हैं उधर गैलरी में, अब मेरे आने के बाद भी हो तो अच्छा है ना, कपड़े गीले हो जाएंगे अब जो है सो है, क्योंकि लेट हो रहा है मुझे जल्दी निकलना है। एनीवेज तो डॉक्टर के पास जाने के लिए जो है उससे पहले मुझे टेस्ट करवाना था और मैं एक्चुअली टाइम से लेट हो गई थी बुकिंग के लिए टेस्ट के लिए, तो मुझे हालांकि एक हफ्ता पहले ये करवा चुके होना था टेस्ट, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि रूटीन इतनी बिजी चल रही थी कि मुझे ना टाइम मिला ना ही मुझे जो याद रहा कि मुझे ये टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट करवाना है, तो फिर जो भी जहाँ भी अवेलेबल था वो मैंने फिर ले लिया। A few moments later. चलिए जी, आ गए मैं यहाँ टेस्ट के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आ रही हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि ये जगह मैं यानी कि यहाँ से गुजरी हुई हूँ, ड्राइव किया मैं यहाँ से, बट यहाँ पे आना पड़ेगा ब्लड टेस्ट के लिए ये नहीं मुझे पता था। मैंने एक दो गलत टर्न भी ले ली बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि मैं किस यानी के तरफ जा रही हूँ, तो एड्रेस नाम मुझे याद नहीं रहते, मेरी जो है ना विजुअल जो है वो है मेमोरी, तो मैं देख के पहचान जाती हूँ, लेकिन अगर जैसे एड्रेस या गली का नाम इस वजह से मुझे याद नहीं रहता, तो जिस वजह से मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरफ आ रही हूँ। सो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बट अब चलते हैं जल्दी से। चलिए नहीं, ब्लड टेस्ट हो गया और शुक्र है कि टाइम से हो गया और मेरा अपॉइंटमेंट मिस नहीं हो गया, ये बहुत ज़रूरी था डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से पहले। और अब चलते हैं घर, हल्की हल्की रास्ते में थोड़ी सी बारिश तो शुरू हो गई थी पर अभी बंद हो गई है, तो जल्दी से चलते हैं घर और कपड़ों का जो है ना करते हैं काम तमाम, वरना गीले हो जाएंगे और फिर सारा भी आने वाली है। हम सो एक्साइटेड टू नो कि उसका पहला दिन जो है ना नए स्कूल में कैसा रहा। एक्चुअली जब सारा ने पहले शुरू किया था तो वो एक उसका यानी कि नया स्कूल नहीं है, जैसे पहला स्कूल था, लेकिन अब क्योंकि उसने वहाँ से छोड़ के यहाँ शुरू किया है तो वो एकदम से नए बच्चे और नई क्लास और नई जगह और नया सब कुछ, क्योंकि जब पहले सारे ने स्कूल शुरू किया था तो उसका जो किंडर गार्डन था तो वहीं से उसके जो सारे पहचान के उसके ग्रुप के उसके एज ग्रुप के जो बच्चे थे वो सारे फिर उसी स्कूल में आगे गए, तो वो उसके लिए कोई अनजान नहीं था, कोई नई जगह नहीं थी, वो सारे वही थे उसके जानने पहचानने के लोग थे, लेकिन यहाँ पे एकदम से नया नई जगह नया शहर सब नया ना, तो मुझे मज़ा आ रहा है सोच के कि कैसा रहा होगा उसका पहले। आई जस्ट कांट वेट टू सी हाउ हर फर्स्ट डे वाज इन द स्कूल। चलो जी, बारिश तो शुरू हो गई है, घर अभी हमें पहुँचेंगे, घर पहुँचने में भी अभी 10-12 मिनट हैं, अब देखो 10-12 मिनट में घर जाके कपड़ों का क्या हाल होता है।
मेरा कौन इंतजार कर रहा है घर पे, अच्छा बारिश हो रही है। चलो मैं आपके लिए ना गैलरी खोलती हूँ, वहां जाओ तुम, ठीक है? आजा आजा आजा। अरे यार कपड़े, आई मीन सही है शायद, इतने भी गीले नहीं हुए, हल्के हल्के गीले हैं, सूख जाएंगे तालो जल्दी से। इसको देखो जरा, मैं जब बाहर आके कितना मजे कर रही है बारिश में, है बारिश में बारिश में बारिश में। अभी 12:30 हो गए, 1:15 बजे तक सारा भी आ जाएगी। I'm so excited. A few moments later. वालेकुम अस्सलाम। ये देखो कौन आ गया, अपनी सहेलियों के साथ आई है ये, और इसने ऑलरेडी जो है दोस्त बना लिए हैं। इसके पास मुझसे बात करने का तो टाइम नहीं होगा है। चलो इससे बाद में बात करेंगे, पूछेंगे किसका जो है दिन आज कैसा रहा। गाइस आप लोगों को पता है सारा ना मुझसे बात ही नहीं कर रही है, जब से स्कूल से आई है, कभी ये फ्रेंड कभी वो फ्रेंड, फिर कंप्यूटर पे फ्रेंड्स के साथ खेला, और अब जो है टीवी देख रही है। इसको दोबारा फ्रेंड के पास, मुझे इसने बताया ही नहीं है कि इसको स्कूल में कैसा लगा, नई क्लास कैसी लगी, बच्चे कैसे थे, फ्रेंड्स कैसे हैं, सबने कैसे रिएक्ट किया, इसको कैसा लगा, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। सो आई विल नॉट टॉक टू हर नाउ, आई नॉट टॉक टू हर। आई थिंक मुझे इसको उसके फ्रेंड्स के साथ जाने नहीं देना चाहिए था, फिर ये सही रहती। आई मीन फ्रेंड्स क्या, अभी जो नए नए स्कूल में जो इसकी क्लासमेट्स हैं उनके साथ ही गई थी खेलने, सो आई वाज बीइंग नाइस कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी तो थोड़ा जानने को मिलेगा। बट मैंने गलती कर दी, मुझे भेजना नहीं चाहिए था ऐसे। नो आई शुडंट हैव। लाइज। अरे शुडंट हैव। शी इज लाइंग। सो गाइस सब जो है गलत हो गया है, खराब हो गया है। मैंने सोचा था मैं फजूल में सारा के लिए एक्साइटेड हो रही थी, मैं ओवर एक्साइटेड हो रही थी एक्चुअली, तो फुल ऑन जो है ना जिस तरह से सारा ने रिएक्ट किया, उसको तो कोई कुछ बताना ही नहीं है या करना ही नहीं है, तो आई एम लाइक व्हाट वाज इट, जस्ट मी, आई मीन व्हाट इज इट लाइक रियली, आई डोंट नो। एनीवेज गोइंग टू पिज़्ज़ेरिया नाउ, आप कुछ काम है, एंड देन आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। एक तो जब भी आप पिज़्ज़ेरिया हो ना, पार्किंग का हमेशा ही इशू रहता है, पार्किंग ही नहीं मिलती, क्योंकि शाम के टाइम स्पेशल जब आते हो ना तो बिजी आवर होता है, फिर टाउन डाउनटाउन है, सेंटर है, तो और भी प्रॉब्लम रहता है। अभी देखो पूरी लाइन ये जो है ना फुल पैक्ड है पार्किंग के लिए, और आई डोंट नो वेयर टू पार्क नाउ। इधर देखते हैं, ये भी यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है, देखो पूरी, शुक्र है यहाँ से भी ये गाड़ी गई है तो मिल गई पार्किंग, अल्हम्दुलिल्लाह लकी मी। अक्सर लोग इतनी गलत पार्किंग लगाते हैं ना, इतनी कि एक गाड़ी दो गाड़ियों की जगह ले लेती है, कि दूसरी गाड़ी जो शायद उसको जगह मिल सकती है, पार्क हो सकती है, तो वो जो है ना, लेकिन क्योंकि एक गाड़ी ने दो गाड़ियों की जगह ली भी होती है, तो इसलिए जो है ना फिर वो दूसरी गाड़ी के लिए जगह ही नहीं रहती है। एकदम से क्या गजब का मौसम हो रहा है, बिजलियां चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, और बारिश फुल ऑन हो रही है, और वाह क्या मौसम हो रहा है गाइस, आई एम लाइक वू। अभी देखना फिर चमकी है, ओ क्या बिजली चमकी है, और सिर्फ चमक नहीं कड़क रही है कहीं कहीं, मुझे तो बिजली गिरती हुई भी नजर आई है यहीं कहीं, तो बड़ा ही गजब का मौसम। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया बस। लेकिन अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में, जहाँ भी लोग बाहर काम के लिए निकले हुए हैं, कुछ भी अपने अपने, यानी कि हर किसी को सेफ रखे और किसी पे बिजली ना गिरे, बाकी मज़ा आ रहा है। ओह
बारिश उतनी तेज नहीं हो रही जितनी के बिजलियां कड़क रही हैं, और इतनी नॉन स्टॉप ये फिर से हर कुछ सेकंड बाद जो है ना ये बिजलियां जो है चमक रही हैं और कड़क रही हैं और बादल गरज रहे हैं। मज़ा आ रहा है। आहा हा, ओए चलो वापस अंदर चलते हैं। बाप रे बारिश और भी तेज़ होगी और क्या, बिजलियाँ कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, इस मौसम मज़े का मौसम है, बहुत मज़े का, क्या तेज़ बारिश हो रही है, ओ बाप रे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हर कुछ फ्यू सेकंड्स बाद बिजली चमक रही है, ना कि ये फिर से, अभी कुछ सेकंड ही हुए थे, 4-5 सेकंड ही हुए थे, फिर से हो गया। ओरे देखा आई कैश इट, कड़की है। रात की जो है ना 10:15 हो रहा है, अभी तक जो है लाइक बिजली कड़क कर रही है और बादल गरज रहे हैं, इट्स लाइक फुल ऑन, और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं आया, हर थोड़ी देर बाद जो है ना ये बिजली चमक रही है, लाइक अभी फिर आएगी, देखना वो देखो, देखा फ्यू सेकंड्स ही हुए थे अभी, लाइक 10 सेकंड और फिर आ गई। ओह वाह, नॉन स्टॉप, देखा नॉन स्टॉप चले जा रही, मौसम इतने मज़े का हो रहा है, मैं आपको को बता नहीं सकती, लाइक मज़ा, ठंडी हवा चल रही है और गर्मी भी यानी कि इतनी नहीं है, और बारिश हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मज़ा आ गया इस हवा का, इस मौसम का। वैसे तो बारिश होती रहती है, बारिश होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो बिजलियाँ कड़क रही हैं ना और बादल गरज रहे हैं ना, उसका तो उसका मज़ा आ रहा है मुझे सबसे ज़्यादा। ओ बाप रे, रात के ना 11 बज रहे हैं, 12 बजने वाले इवन, और आई जस्ट गॉट होम और अभी तक बिजली नॉन स्टॉप जो है ना चमक रही है, ये देखो नॉन स्टॉप लाइक लिटरली, और पूरा जब से ये शुरू हुआ ना, रात 8 बजे से सिलसिला शुरू हुआ, तो तब से अब तक नॉन स्टॉप, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकी है ये सिलसिला चल रहा, तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ बारिश। अच्छा जनिया मेरा वेट कर रही थी, मैं आ गई। तू मेरा पुत्र छुट्टी का, चल देखो जरा कैसे लाइट ऑन करके जो है ना सारे सो रहे हैं, वैसे तो सिर्फ किचन की ऑन है, अभी यही मैं करती हूँ तो याया जी मुझे कहती है लाइटें बंद नहीं की है, अरे मैं भी जो हूँ सोती हूँ, क्योंकि अगेन कल जो है थोड़े काम करने हैं, तो अब कल का जो है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कल की बात कल के व्लॉग में, और आप लोगों को मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, इतने खुश रहिए, प्यार बांटिए, अल्लाह हाफिज़।